स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। ऐसा हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग टर्म उपयोग में ली गई। जैसे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इन नामों से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के कोशिका झिल्ली के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, रासायनिक संगठन के बारे में। तो ऐसा हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपो प्रोटीन मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड और प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन, ये दो प्रमुख कंपोनेंट या घटक उपस्थित होते हैं। लिपिड और प्रोटीन के अलावा कोशिका झिल्ली की संरचना में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ये भी उपस्थित होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कहेंगे कि केमिकली जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात जो नोट करने की है कि सेल मेम्ब्रेन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होगा, कितने प्रतिशत लिपिड होगा और कितना हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो वहां हमने कल डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का परसेंटेज कितना होगा, प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा, ये वेरी करता है अलग अलग सेल की सेल मेम्ब्रेन के लिए। यहां मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश की। जैसे अगर मैं मानव की आरबीसी इरिथ्रोसाइट की बात करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मानव की आरबीसी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड की मात्रा कंपेरेटिवली कम है और अप्रोक्सीमेटली अनुमान अगर देखते हैं लगभग सेल मेम्ब्रेन में 49% के आसपास तो केवल प्रोटीन है
और 43% के आसपास लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट वही 1 से लेकर 10% के बीच में होता है। लेकिन जब मैं चूहों के अंदर, माउस के अंदर जो हिपेटोसाइट्स हैं, लीवर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन देखता हूं, तो क्या देखता हूं कि वहां तुलनात्मक रूप से लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा कम है और यहां पर लगभग 54% लिपिड है, 49% प्रोटीन। तो यहां मैंने मानव की एरिथ्रोसाइट आरबीसी और माउस की जो हिपेटोसाइट्स हैं, लीवर सेल्स, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उनके केमिकल कंपोजिशन को लिखा है और उससे ये समझने की कोशिश हमने की है कि अलग अलग कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन है उनका रासायनिक संगठन तो एक जैसा है कि सभी में लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन लिपिड की और प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी ये अलग अलग कोशिकाओं के भी अलग अलग होता है, जो यहां से इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अब इस कंक्लूजन से एक बात पता चलती है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में केमिकली लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कैसे हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक लेक्चर अलग से इस पे बनाएंगे, एक लेक्चर इस पे बनाएंगे कि वो प्रोटीन कौन से प्रकार के हैं, किस प्रकार अरेंज हैं और क्या फंक्शंस परफॉर्म प्रोटीन करते हैं, और एक लेक्चर डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के हैं, क्या अरेंजमेंट है उनका और क्या फंक्शंस वो कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, और आज हम लोग फोकस करेंगे सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कुछ बातें मैंने लिखी हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ओके, पहली बात कि अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल, अगर हम प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करें और उसको कंपेयर करें यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो हम तुलना कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली की यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के साथ। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वहां कि कार्बोहाइड्रेट कॉमनली यूकैरियोटिक जो सेल्स, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल्स की, तो सभी प्रकार की जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी सरफेस पर
ये कार्बोहाइड्रेट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर कॉमन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में तुलनात्मक रूप से ये कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में कम प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट में ये कॉमनली जो कोशिका झिल्ली है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट करता हूं कि अगर मैं एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखूं तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में दो पार्ट, दो सतह होगी इसकी। देयर आर टू फेस, दो सतह हैं इसकी। कि एक जो फेस है वो साइटोसोल की ओर होगा, यानी अंदर की ओर होगा, जहां साइटोसोल है, मैट्रिक्स है, तो उसको तो हम नाम दे देंगे साइटोसोलिक फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की साइटोसोलिक सतह। अच्छा, दूसरी सरफेस बाहर की ओर है, इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह है। तो अगर मैं साइटोसोलिक फेस और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस दोनों को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस, यानी जो आउटर सरफेस है केवल उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस या आउटर सरफेस पर ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक फेस जो अंदर वाली फेस है वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने एक बात डिस्कस की। नंबर टू, कार्बोहाइड्रेट कभी भी इंडिपेंडेंट अकेले स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं होंगे। तो ये किस प्रकार होंगे कि या तो कार्बोहाइड्रेट बाइंड रहेगा प्रोटीन के साथ और तब हम इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, व्हेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच्ड विथ प्रोटीन एंड दे आर कॉल्ड ग्लाइको। तो या तो कार्बोहाइड्रेट इस रूप में होगा सेल मेम्ब्रेन, या फिर वो लिपिड के साथ अटैच होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच रहेगा देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली में या तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होंगे या ग्लाइकोलिपिड के रूप में, तो वो अकेले इंडिपेंडेंटली सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते। प्रोटीन के साथ अटैच हो सकते हैं, लिपिड के साथ अटैच हो सकते हैं। जब वो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, जब वो लिपिड के साथ अटैच होंगे ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे। ओके, अगली बात मैंने की है कि सेल मेम्ब्रेन में जो ये कार्बोहाइड्रेट के अणु उपस्थित हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। हम कार्बोहाइड्रेट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वर्गीकरण, तो वहां हम ऐसा पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण
सैकेराइड ग्रुप के नंबर के आधार पर किया गया है। सैकेराइड ग्रुप का मतलब है शुगर यूनिट, शर्करा की इकाई। अगर केवल एक इकाई होती है तो मोनोसैकेराइड, अगर इकाइयां ज्यादा हैं लेकिन 10-11 से कम है तो ओलिगोसैकेराइड, और खूब ज्यादा इकाइयां हैं 11 से भी ज्यादा यूनिट है पॉलीसैकेराइड। तो यहां जो कार्बोहाइड्रेट है कोशिका झिल्ली में, ये हमेशा ओलिगोसैकेराइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट इस ओलिगोसैकेराइड के रूप में है, या तो प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है, या लिपिड के साथ ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है, और ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल में उसकी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस है, आउटर सरफेस है, वहीं पर अटैच रहते हैं, और इन्हें हम जनरली या तो सेल कोट के नाम से जानते हैं या ग्लाइकोकैरिक्स के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, दे आर नोन एज सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स। इज दैट क्लियर? अब ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस, हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो कहा था कि हमें लिपिड की स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना तो पता चली। अब हमें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में आखिर ये कार्बोहाइड्रेट के अणु क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इन मॉलिक्यूल्स की। तो यहां एक नाम आता है, हम बात करते हैं सेल के रिकॉग्निशन, पहचान की बात करते हैं, कि हर सेल की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, और वो इस कार्बोहाइड्रेट के जो पर्टिकुलरली ओलिगोसैकेराइड है उसके द्वारा प्रदान की जाती है। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, और हम पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन के कारण होता है। वो बेसिकली क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो अलग अलग व्यक्तियों के जो अलग अलग ब्लड ग्रुप है, रुधिर समूह है, दे आर डिपेंड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के अणु है। तो कोशिका की पहचान हो गई, इन्होंने ही एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के जैसा काम कर रहा है, तो कोशिका की पहचान में, रुधिर समूह के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण काम इन कार्बोहाइड्रेट के, या जो ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मार्टिनेज और पैलामोलिडोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल कोट, ये टर्म इंट्रोड्यूस की। तो आज हमने बात की कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में, एक अगर एवरेज बात की जाए तो 5-10% के आसपास, 5-10% के आसपास कोशिका झिल्ली में ये कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी ये कि ये कभी अकेले नहीं होंगे,
या तो प्रोटीन के साथ अटैच रहेंगे या फिर ये लिपिड के साथ अटैच रहेंगे। ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, कई सारे काम इन कार्बोहाइड्रेट अणुओं के द्वारा कोशिका झिल्ली में किए जाते हैं। सेल रिकॉग्निशन की बात की, ब्लड ग्रुप के निर्धारण की बात की, इसके अलावा सेल सेल एडहेशन, एक कोशिका दूसरी कोशिका से जो अटैच है, जुड़ी हुई है, उस सेल सेल एडहेशन में भी ये कार्बोहाइड्रेट अणु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक था अपना वो आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में लिपिड की क्या व्यवस्था है, कितने प्रकार के लिपिड हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।